निर्संकल्प अवस्था क्या है? जब कोई संकल्प ही ना रहे, और ये अवस्था होती है केवल और केवल परब्रह्म, केवल और केवल परम धाम में होती है। क्योंकि परम धाम में जैसे ही संकल्प आता है आत्मा नीचे, और लास्ट संकल्प होता है, उसके बाद कोई संकल्प नहीं होता कि मुझे परम धाम में, बस और कुछ नहीं मेरे लिए। तो हम परम धाम में रहने वाले बन जाएंगे। तो परम धाम में हमें जाना है, वहां निरसंकल्प अवस्था हो, उस निरसंकल्प अवस्था को हमने प्राप्त करना है। दुनिया वाले अनेक प्रकार की विधियां सिखाते, मैं उधर चर्चा नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि जो कहते कि हम शून्य की अवस्था में चले जाते हैं, नेक्स्ट थॉट हम आने नहीं देते हैं, वो ये थॉट अपनी बुद्धि में रखते हैं, अब और कोई थॉट नहीं आएगा, और कोई थॉट नहीं आएगा, और कोई थॉट नहीं आएगा, ये भी थॉट है। थॉट को चेक करना कहते, अब शैतान को, शैतान बच्चे को देखना शुरू कर दो तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। ऐसे आप अपने थॉट को, आने वाले किसी भी थॉट को देखना शुरू कर दो कि थॉट नहीं आएगा, तो ये भी थॉट है। क्योंकि आत्मा शरीर में आ गई है तो थॉट तो रहेगा रहेगा, थॉट कम हो सकते हैं परंतु शून्य नहीं हो सकते। क्योंकि थॉट के लिए बॉडी की जरूरत है, ब्रेन की जरूरत है। ईईजी के द्वारा हम अपने थॉट की स्पीड को चेक कर सकते हैं कि कितने फास्ट थॉट आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, वेस्ट थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। जितना जितना स्पिरिचुअल थॉट होते जाएंगे उतना स्पीड स्लो होती जाएगी। बॉडी कॉन्शियस में ही थॉट आते, आत्मा को थॉट आना मीन्स बॉडी लेना, बॉडी को छोड़ने का भी थॉट आएगा तो आत्मा बॉडी छोड़ेगी और अपने घर जाएगी। आत्मा परम धाम जाने का थॉट कर सकती है, आत्मा परम धाम से आने का थॉट कर सकती है। थॉट से ही आत्मा परम धाम जाती है, थॉट से ही आती है। पर तो अब हमें क्या करना है, उस निरसंकल्प अवस्था तक जाने के लिए ओनली स्पिरिचुअल थॉट्स, परमात्म ज्ञान के आधार पर मनन चिंतन। जैसे जैसे हमारे थॉट होते जाएंगे रूहानी स्पिरिचुअल, जो सर्वहिताय होंगे, सबके हित वाले होंगे, उतने स्लो होंगे। उतने श्रेष्ठ होंगे।
उतने काम होंगे, उतने प्रभावशाली होंगे। धीरे 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 हम शून्य के नजदीक तक जा सकते हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में 12-13 संकल्प करता है, दादी जानकी 4-5 तक चली जाती हैं, बारह तेरह से ऊपर जाना उसको टेंशन समझा जाता है, 25-30 से ऊपर चले जाना हाइपरटेंशन एकदम बहुत ज्यादा हाइपर, और यदि 50 पर चला जाए तो पागल हो जाएगा, कोई पहले भी हो सकता है। और जैसे ही डॉक्टर देखते हैं कि हाइपर हो रहा है तो उसे केवल और केवल नींद का इंजेक्शन दिया जाता है। और हमें बाबा वंडरफुल विधि सिखाते हैं, बाबा के डायरेक्शन पर एक एक थॉट करेंगे, आप पे ही थॉट काम होते जाए। कभी माथा गर्म नहीं हो सकता, बीपी नहीं हो सकता, हलचल में नहीं आ सकता, हल्की हलचल तो आएगी। जितने कम संकल्प होंगे उतनी हलचल भी कम होती जाएगी, संकल्प बढ़ते हैं तो हलचल बढ़ती है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो अवश्य 9213106986 पर व्हाट्सएप करें।